चप्पल और ऐसे पैंट्स, ये दुकान की पैंट्स है और ये दुकान की टी शर्ट है, कैसे लगा बताओ। हेलो गाइस, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, केम छो मचा मा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मेनुका और मैं आज साथ साथ दुकान जा रही है बिकॉज सोनिया की आज हॉलीडे है। अलग अलग रहेंगे, मेनुका रहेंगे सोनिया की दुकान पे और मैं रहूंगी मेरी दुकान पे। मेनुका देखो ना आज, ओहो इतना मेकअप करके आई है। मेकअप नहीं, ये वो है, क्या है, लाल लगाया था। अच्छा, लाल लाल लगाया हुआ इस गाल में, पहले कभी नहीं लगाती, आज तो हो नाम इतना करके आई है ना, क्या ही बताऊंगा। इस नहीं, नहीं किसी को देखा होगा थर्ड फ्लो में, कौन है सच सच बताना। मेरा कोई नहीं है। अरे यार ये रस्ते है ना, इसलिए मैंने जाना नहीं चाहिए। देखो ना कितना लोग, जाओ जाओ जाओ। सोनिया और शिव गए है शादी पे, सोनिया के बेस्ट फ्रेंड की शादी में गए है। ओ मैं तो आज आप लोगों को मेरे आउटफिट नहीं दिखाया है, दिखा देती। ये रही आज की मेरी आउटफिट, और मिनका के आउटफिट देखना चाहते हो? देखो मिनका के आउटफिट, आज तो किस दुकान में रहना पड़ेगा ना, इसलिए ऐसे कपड़े पहन के आई है, नहीं तो ये छोटा छोटा पहनती है और मम्मी से भी डांट खाती है जब छोटा कपड़े पहनती है, तो फिर भी पहनती है, किसी को परवाह नहीं करती। इसको कहता है लाइफ, इसको कहता है लाइफ, किसी को परवाह नहीं करना चाहिए, मम्मी को भी नहीं करती है ये, तो मैं ही हूँ, मम्मी को भी करना पड़ता है। सोनिया ने तो कपड़े चेंज कर लिया शादी जाके आके भी, ये देखो मैंने इसका स्टाइल स्टाइल ऐसे बना दिया, मेरे स्टाइल मैंने इसको करवा दिया आज। ऐसे चप्पल और ऐसे पैंट्स, ये दुकान की पैंट्स है और ये दुकान की टी शर्ट है, कैसे लगा बताओ। अच्छा है, फ्री स्टाइल। हाँ फ्री स्टाइल अच्छा, कभी कभी ऐसे पहनना चाहिए। मुझे पहनने के लिए बोला था, उसने भी बोला था कि तुम फ्री स्टाइल कभी भी नहीं पहनती, कभी कभी पहनना पड़ता है। ये दुकान देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ। अच्छा लग रहा है ना, ये देखो ना आज मेरा। हाँ तुम तो हैंडसम देख रहे हो, हैंडसम। ये जो है ना पीछा, वो पीछे का वो जो है ना, क्या वो खो गया था। अच्छा बंद करने वाला टीका लगा लिया। अच्छा टीका से बंद करके गई तू, उतरा नहीं? इसका आइडिया था। क्या पहन के गई थी तुम आज? ये तो तुमने उसमें पहनी थी ना जब तुम्हारा मेहंदी में, ये इसमें फोटो है ना। ये ये। ओहो हस्बैंड वाइफ, अभी तो हस्बैंड वाइफ बन के गया है तुम दोनों। ओहो वेरी हैंडसम शिव, हमेशा जब भी फोटो लेते ना सोनिया को देखते हैं। प्यार करता हूँ ना। अच्छा वॉशिंग जाके आती हूँ, मतलब चलो मैं भी जाती हूँ। दारा चला है हमारे, मैं जा रही हूँ बिक्सी। सोनिया पैसे पैसे तो दे दो, बिक्सी जा रही हूँ रोटी खरीदने के लिए, रोटी उसकी मांग उससे दो। दमाई दमाक दमाक, ये मेरा पैसा है ना, मेरा दमाक, मम्मी से मांग के फिर देना, तुम खुद मांग लेना है ना। नहीं नहीं तुम मांगे दे, ये मम्मी ने मुझे बोला जाके लेने के लिए, खरीदने के लिए। मम्मी तो जो भी बोलता है सोनिया के पास जाके ले लो, उसकी बात देती ही नहीं है मुझे। तो मांगो ना, नहीं अच्छे से मांगो वो दे देंगे। अभी मैं जा रही हूँ बिक्सी का इस रोटी खरीदने के लिए, बहुत अच्छी लग रही है, जाओ। तो मैं पहुँच गई हूँ बिक्सी मॉल, अभी मैं रोटी लेने के लिए जा रही हूँ। कहाँ पर रखा है? अरे पहले तो यहाँ पर रखा था, चेंज कर दिया है क्या या यहाँ पर? हाँ ये रहा, कैसे खोलते हैं ये, ऐसे ना? यस मम्मी ने बोला था तू, ये तो रोटी नहीं लिखा होगा, ये तो पराठा लिखा हुआ है, पराठा बोल होगा इसको, पराठा बोलता होगा इसको। ये डिफरेंट कैसा है, सेम तो है ना, पर इसमें तो वाइट है या थोड़ा सा लाल है, कोई नहीं सेम ही होगा। ये दो ले लेती हूँ, यही लेने के लिए आई हूँ। चलो घर चलते हैं, आप मेरे जाके पैसे दे देती हूँ, मैं तो लेके घर जाने वाली थी। यहाँ पे है ना बिना टेस्ट किए मैं कैसे जाऊँ, मैं हर बार यहाँ पर कुछ ना कुछ टेस्ट करके ही जाती हूँ। ये क्या है, चलो टेस्ट कर लेती हूँ, ये लेमन है, मैं लेमन टेस्ट कर रही हूँ। नॉट सो बैड। जब मैं मम्मी के साथ आती हूँ मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ ना, तो मैं वहीं पे जाती हूँ जो फ्रूट टेस्ट कराती है ना, वहाँ पर लिखा हुआ है एक डब्बा डब्बा पे, तो है ना वहाँ पर ऐसे सिक्योरिटी लोग भी होता है, कभी कभार वो लोग देखता है ये खरीदने वाले है या नहीं है, फिर है ना मैं ऐसे एक्टिंग करती हूँ कि मैं ये फ्रूट खरीदने वाली हूँ, है ना पहले मैं ट्राई कर लेती हूँ एक्टिंग करके, दो तीन चीजें ट्राई करके है ना मैं भाग जाती हूँ।
गाइस पता नहीं मुझे ना सोनिया शादी कर लिया है, ऐसे नहीं लगता है, पता नहीं क्यों फील नहीं आ रहा है तुमको। हाँ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे तू पहले थी ना वैसे ही है। हाँ तो पहले ही तो है ऐसे ही तू, पर तुम शादीशुदा तो हो गई ना। हाँ, पर तुम शादीशुदा जैसे क्यों नहीं लग रही है? क्यों लगू मैं कुछ फील होना चाहिए ना, अरे हाँ बहन शादी कर गया, ऐसे ऐसे ही फीलिंग नहीं आ रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे पास में ही तो दूर होता तो ऐसे होता है क्या? अगर दूर होता तो ऐसे दूर होता तो मैसेज होता है। हाँ होता है ना, जब मैं बर्मा में थी ना तुम लोग कैसे हो रहे थे, घबरा हो गई थी ना देखने के। हाँ चल मम्मी को जाके हेल्प करो, तो कुछ करना नहीं उसको, उसको तो बैठ में रहना है, पति की बुराई करके गई है। घर पहुँचते यहाँ पर खाना खा रहे हैं सब लोग, तो मैं भी खा रही हूँ अब खाना मम्मी लोग के साथ बैठ के। खाना वगैरह भी खा लिया है, मैंने स्किन केयर कर रखा है। शिव ने मुझे बोला तुम बहुत ज़्यादा काली हो गई है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं स्किन केयर कर लूँ। सच में भी मैं काली हो गई क्योंकि मेरा जो स्किन केयर की सामान है ना वो फिनिश हो गया है, तो मैं स्किन केयर ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ आज का, कुछ भी लगाते भी नहीं हूँ, सन क्रीम भी नहीं लगाती हूँ। जब से शिव और सोनिया शिव हो गया ना उधर, तो मैं सन क्रीम लगाना ही बंद कर दिया क्योंकि मेरे पास है नहीं। पहले तो मैं सोनिया और शिव की सन क्रीम चोरी चोरी लगा दी थी, पर वो अभी चोरी चोरी भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो लोग नहीं है ना, इसलिए चलो इसको हटा देती हूँ। हो गया ये सूख गया है, थे गोल मार्क्स, पर चेहरा तो गोल जैसे भी नहीं देखा, फिर भी कोई नहीं थोड़ा सा तो गोरी हो गई, इसमें ये खुश है। आँखों में प्यार मोहब्बत। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, क्या रात में ब्लॉग एंड नहीं कर पाई इसलिए मैंने सोचा कि ना अभी मैं कर दूँ। मीनू और सोनू तो है ना सुबह सुबह चली गई है मंदिर, क्योंकि आज है 1 तारीख काली मंदिर चले गए हैं, तो है ना वो दोनों के काम मुझे करना पड़ रहा है। अभी मैं जा रही हूँ पानी भरने और 7-Eleven कुछ ब्रेकफास्ट खरीदने के लिए। सो गाइस ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कीप सपोर्टिंग कीप लविंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरे हाथ में ये है ना इसलिए फ्लाइंग किस नहीं दे पाऊंगी। अरे लिफ्ट मुझे भी वही इतने किया देखो, अभी आर्ट फ्लो से आया तो वही करना चाहिए था ना, क्यों वही इतने किया।